हे दोस्तों, कल मेरे को एक कमेंट आया कि अपना स्क्वाड लेकर के आ जाओ बैटल स्टार्स में और स्क्वाड भी स्क्वाड कर लो। तो चलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे डॉगी का स्क्वाड बनाने वाला हूँ एंड डॉडी के स्क्वाड बनाने के साथ साथ यहाँ पे मैं पापी का भी स्क्वाड बनाऊंगा। फिर कंपेयर करूंगा कि डॉजी स्क्वाड बेटर है या फिर पापी स्क्वाड बेटर है। एंड इसी बीच में मेरा एक फ्रेंड बोला, देखो मैसेज में, कि चलो जू का स्क्वाड ले लेते हैं। जू का स्क्वाड को भी लेकर के कंपेयर करेंगे कि अभी, एंड ये भी मैं तुम लोगों को वीडियो में बताऊंगा कि अभी सबसे बढ़िया बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है रैंक पुश करने के लिए। दो एकदम बेस्ट कैरेक्टर निकल करके आ रही है हमारे गेम में और वो कौन सा होने वाला है वीडियो के लास्ट में देखेंगे। बट चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन 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 एक इंट्रो की बात। अब देखना, जो भी लोग यहाँ पे कमेंट किए थे ना कि स्कोडी भी स्कोर, तो चलो अभी मैं तुमको स्कोडी भी स्कोर दिखाता हूँ। लेकिन देखिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, तुम्हें के लिए काफी हेल्प करेंगी। अगर तुम लोग डॉगी लेकर के खेल रहे हो ना या फिर पापी लेकर के खेल रहे हो, तो कौन बेस्ट होने वाला है, कौन स्कोड बेस्ट होने वाला है, कौन करेक्टर बेस्ट होने वाला है, सब कुछ तुम लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो तुम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट गिव अवे की इन्फॉर्मेशन अभी मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ। फिलहाल जो भी लोग अभी जाकर के क्रिएटर कंटेंट बूस्ट में पीबी10 कोड को टाइप नहीं किए हो दोस्तों, तो जाकर के पीबी10 कंटेंट क्रिएटर बूस्ट में टाइप कर दो। एंड गाइस, यहां पे अब तुम लोग देखो, यहां पे तुम लोग देखो, मैं जा रहा हूं पीबल 79 के 120/120 स्कोर हो गया है। हारने के काफी ज्यादा चांस है क्योंकि डॉजी को काफी जल्दी मार देते हैं ये लेवल अप मैक्स वाले। देखो मार दिया, 10 पॉइंट से हम लोग हार सकते हैं यहां पे, और लिटरली 10 पॉइंट से हम लोग हार गए डॉगी का स्क्वाड लेकर के। बट एक बंदा आ गया था जूका लेकर के, तो अब मैं तुम्हें रियल वाला डॉगी का स्क्वाड में गेम प्ले करके दिखाता हूं। यहां पे मैं चैम भाई को भी बुलाया, चैम भाई भी यहां पे आ गए, दो बंदे मेरे सब्सक्राइबर। अगर तुम लोग को भी मेरे साथ खेलना है ना, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, साइड में आ रहा होगा। देखो यहां पे लिख रहे भाई, किसी के पास डॉगी है तो डॉगी ले लो, और ये मैच मेरे को किसी भी हाल में जीतना है डॉगी स्क्वाड को लेकर के। वीडियो बना रहा हूं, सभी लोगों को पहले ही मैं वार्निंग दे दिया हूं कि दोस्तों वीडियो बना रहा, राइट दोस्तों। तो गाइस यहां पे तुम लोग देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जनरली सभी लोग स्टार्ट हो जाए, ये हाल किसी भी मैच में हमको भैया चाहिए, ये मैच जीतना है। देखते अब क्या कैसा खेलता है सभी लोग। मैं तो बहुत गंदा खेल रहा हूं क्योंकि मेरा हाथ भाई वीर नहीं, टेक्नो नहीं, फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर पे बैठा हुआ है। बट मेरे को वीडियो बनानी थी, तुम लोग को देनी थी, क्योंकि कल मेरे को एक बंदा बोला कि भाई स्क्वाड भी स्क्वाड में आ जाओ। तो चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ स्क्वाड भी स्क्वाड में, कि अगर मैं उस स्क्वाड भी स्क्वाड में डॉगी कैरेक्टर को स्क्वाड लेकर के जाऊंगा तो क्या मैं जीतूंगा। तो चलो वही मैं देख रहा हूँ और मैं तुम लोग को भी दिखा रहा हूँ कि अगर तुम लोग को बोले कि डॉगी का स्क्वाड लेकर के आ जाओ तो तुम लोग ऐसा मत करना। चलो देखते क्या होता है। मेरे साथ यहाँ पे खेल रहे पीबीएक्स चैंप, तुम्हारा भाई पीबदस, एंड दो बंदे कौन कौन है यहाँ पे, पीयूष है एंड यहाँ पे पीबी विशाल है। देखो दोनों बंदे पीबी लगाए हुए, तो तुम लोग भी गेम में पीबी लगा करके डिफाइन करो। देखो राइट, यहां पर लोग आगे बढ़ रहे। अब देखो बॉन्ग, देखो पीबी एक्स चैम के पास सील्ड है, पीबी पीयूष वाईटी के पास सील्ड है, बट मेरे पास सील्ड नहीं है, इसलिए मैं हल्का सा बैक होकर के खेल रहा हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स में ये चीज़ तुम लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। बट मार दिया मेरे को यहाँ पे टेक्नो कैरेक्टर। अब देख सकते हो 30-10 का स्कोर चल रहा है और हम लोग 20 पॉइंट से पीछे चल रहे। क्या होगा, डॉगी का स्कोर लेकर के क्या मैं जीतूंगा? नीचे अपनी यूआईडी कमेंट मारो। यहाँ पे देखो फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर और डॉन वो भी स्पेशल गन के साथ आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना स्पेशल गन डॉगी का छोड़ रहा हूँ, उससे लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। स्कोर पे तुम लोग थोड़ा सा नजर डालो, 10-50 का स्कोर है, अभी भी हम लोग काफी पीछे। अच्छा स्कोर नहीं है क्या हम लोगों का? वो खैर वो तो अभी पता चल जाएगा जब अभी हम लोग स्कोर करेंगे। यहाँ पे 50-10 का स्कोर चल रहा है, सभी लोग तो बढ़िया खेल रहे, बट 10-10 का किल है और मेरा 0-0 का किल है। वाह भाई, किल हो ही नहीं रहा इस कैरेक्टर से, राइट? तुम लोग कितने किल कर देते हो डॉगी कैरेक्टर को लेकर के, मेरे को बता सकते हो? एंड जो भी लोग चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस मैं तुम लोगों को अब हर एक अपने सब्सक्राइबर लोगों को लॉबी में लेकर के उनके साथ गेम प्ले करूंगा, उनके साथ वीडियो बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब जरूरी है और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो। देखो गाइस यहां पे मैं फिर से आउट हो गया था, रिवाइव होकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्कोर चल रहा है 80-30 का, देखते हैं क्या होता है। मेरे पास टाइम है, बस एक मिनट रह गए। मेरे स्क्वाड पीछे हट करके खेल रहे जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे, बट एक बंदा को नेट मार करके खत्म कर दिया गया मेरे स्क्वाड मेंबर को। यहां पे जूका सामने आ रहा है, टेक्नो भी सामने आ रहा है और यहां पे ऊपर से फ्यूचर टेक्नो अटैक कर रहा है। बट गाइस मेरे स्क्वाड मेंबर यहां पे पीछे होकर के खेल रहे क्योंकि बिल्कुल सही कर रहे, बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे। अगर आप लोग भी इस सिचुएशन में फंस जाते हो तो ऐसे ही डिसीजन पे सिचुएशन लिया करो, राइट? बट यहां पे तुम लोग देख पा रहे हो कि 100 स्कोर उन लोगों का है, 60 स्कोर अपन का है। बस 30 सेकंड्स एवा पे मेरे पास, क्या मैं 30 सेकंड में तीन बंदों को मार करके स्कोर को बराबर कर पाऊंगा या फिर हम लोग ये मैच को हार जाएंगे, ये तो मेरे स्क्वाड पे ही डिपेंड करता है और
पे डिपेंड करता है, बट 20 सेकंड्स रिमेनिंग एंड 120 का स्कोर चल रहा है पोलैंड टीम का, 70 का स्कोर चल रहा है अपन का। तो गाइस मेरे को चाहिए इसको बीट करने के लिए 50 स्कोर। क्या मैं 20 सेकंड में पांच बंदों को मार करके अपने स्कोर को बराबर कर लूंगा? मेरे को तो इम्पॉसिबल लग रहा है, बट कोई बात नहीं गाइस, टॉम क्रूज बनते हैं और यहां पे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं, राइट। मिशन है यहां पे गाइस 10 सेकंड में पांच बंदों को मारना, नहीं 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 हो पाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे स्कोर बोल रहे हैं। बट रुक यार, अभी 5 सेकंड बचे, मैं 5 सेकंड में मारने की हिम्मत रखता हूं, 5 सेकंड में मैं मैच को ड्रॉ कर दूंगा गाइस, 5 सेकंड में मैच, 1 सेकंड, ओह माय गॉडनेस, 130 to 130 गाइस, क्या किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया, टॉम क्रूज बन गया, हारा हुआ मैच को मैं ड्रॉ पे ले गया और 5 का स्कोर हम लोगों को मिल गई है। देखिए गाइस, इसको बोलते स्क्वाड की पावर, इसको बोलते स्क्वाड कॉम्पिटिटिविटी। यस गाइस, हम लोगों ने कर दिया, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड मैच खेलेंगे दोस्तों एंड सेकंड मैच में भी ट्राई करेंगे। लेकिन गाइस बहुत ही मुश्किल था, आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, जैसा कि हम लोगों ने हैंडल कर लिया, बराबर कर दिया, राइट। चलो इस मैच में करके दिखाते, लेकिन ये मैच में मेरे को लगता नहीं है, पिछला मैच तो हो गया था, ये मैच हम लोग हार जाएंगे। लेकिन गाइस अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो तो डॉगी कैरेक्टर का स्क्वाड बना करके तुम लोग खेलोगे तो दोस्तों हल्का सा गलत डिसीजन रहेगा, क्योंकि डॉगी कैरेक्टर का स्क्वाड बना लोगे तो उसमें तुमको चाहिए होगा एक फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर या फिर तुमको जूका कैरेक्टर चाहिए होगा। ऑल डॉगी का स्क्वाड मत बना लेना, क्योंकि काफी स्लो गेम चलता है, पूरा का पूरा गेम लंबा चल रहा है और हारने की भी काफी पॉसिबिलिटी थी, देखे थे ना, हारने की पूरी पॉसिबिलिटी थी। सेकंड मैच देखो यहां पे दिखाता है, सेकंड मैच में पता चल जाएगा, दो फ्यूचर टेक्नो आए हुए हैं, एक टेक्नो आया हुआ है और एक जूका आया हुआ है, यानी कि काफी कॉम्पिटिटिव, काफी हार्ड मैच ये होने वाला है। अब यहाँ पे तुम लोग देखना स्कोर, देखो 20-30 का है, मतलब 30 उसका है और 10 स्कोर मेरा। गेस गाइस, गेस, अभी तुम लोग गेस करके बताओ कि कौन सा स्क्वाड जीतेगा दाले के। यहाँ पे हम लोग डॉगी को लेकर के खेल दिया है, 10 पॉइंट मेरा है, 30 पॉइंट अपोनेंट का है। अब देखो पिछला वाला मैच से ये मैच बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें दो फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर, एक टेक्नो कैरेक्टर और एक जूका कैरेक्टर देखने को मिली है। यहाँ पे भी स्क्वाड हम लोग का थोड़ा सा नाजुक पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे अपोनेंट काफी फायर करके हम लोग के स्क्वाड को खत्म कर रहे हैं। 70 का स्कोर उन लोग कर लिया है, 20 का स्कोर है और पिछले बार की तरह इस बार का बैकअप मेरे को नहीं लगता कि हम लोग बैकअप कर पाएंगे, मेरे को नहीं लगता कि हम लोग ये मैच को जीत पाएंगे। मेरे तुम लोग नीचे कमेंट करो, जिसका कमेंट का सही जवाब रहेगा उससे मैं रिक्वेस्ट भेज दूंगा नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस यहां पे तुम लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा स्क्वाड जीतेगा, डॉगी का स्क्वाड जीतेगा या फिर अपोनेंट एनिमी का स्क्वाड जीतेगा। यहां पे हम लोग का जो स्क्वाड है देखो कितना किल किया, 20 मैच किल किया, 20 चैंप किल किया, अब बाकी के तो मुजरा कर रहे हैं भाई, लोग कैसे खेल रही है भाई, इसीलिए कह रहा हूं डॉज टिप्स एंड ट्रिक्स लोगों को काफी जल्दी देखने को मिलेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, राइट। स्कोर देखते देखते मैं तुम लोगों को बताऊंगा, देख पा रहे हो ना कितना गंदा गेम प्ले हो रहा है, 110 अपोनेंट का, 50 यहाँ पे स्क्वाड का है। तो भाई रैंक पुश करने के लिए कौन सा सबसे जबरदस्त कैरेक्टर होने वाला है, आपने वीडियो में बात करी है, प्लीज बताइए पी बदस, तो मैं तुम्हें भी बताऊंगा सबसे बेस्ट कैरेक्टर रैंक पुश के लिए, सबसे अभी अच्छा कौन सा कैरेक्टर चल रहा है, दो कैरेक्टर है मस्त बताता हूँ। बट यहाँ पे तुम लोग देखो 140 और 50, अब नहीं लगता है कि बैकअप हो पाएगा, टाइम भी कम है और टाइम खत्म, मैच भी खत्म, हम लोग ये स्कोर मैच हार गए, देख सकते हो डॉगी का स्कोर मैच हार गए दोस्तों। अगर यही बेसी डॉगी में एक अगर टेक्नो कैरेक्टर रहता, फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर रहता तो आसानी से हम लोग मैच जीत लेते। यहाँ पे बंदे बोल रहे कि चलो हम लोग डॉगी स्क्वाड को लेकर के तो हार गए, बट अब एक जूका के स्क्वाड को ट्राई करते हैं, राइट। अब जूका के स्क्वाड को ट्राई करने के बाद हम लोग उसके बाद पापी स्क्वाड को भी ट्राई करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि पापी स्क्वाड को लेकर के आप जीत सकते हो। तो ये रहा, ये मैंने तुम लोगों का कंफर्म कर दिया, डॉगी का स्क्वाड लेकर के खेलोगे तो आप लोग हारने के चांस काफी ज्यादा रहेगी, काफी ज्यादा, काफी 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 ज्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सबने सब्सक्राइबर लोगों को कह दिया हूँ कि भाई लोग तुम लोग जूका को ले लो, डॉगी कैरेक्टर को हटाओ और जूका को ले लो, क्योंकि अभी हम लोग जूका का स्क्वाड खेलेंगे। देखो मैंने मैसेज भी कर दिया, स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर पॉज करके देख लो, एंड उसी के साथ अभी तुम लोग को मेरे साथ खेलने, देखो यहाँ पे मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर लोग खेल रहे ना, तुमको मेरे साथ खेलने तो नीचे कमेंट मारो, नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग भी आ सकते हो, गेम प्ले वीडियो में तुम लोग आ सकते हो। देखो यहाँ पे टीम नंबर 4v4 स्क्वाड जूका का स्क्वाड रेडी हो गया। अब देखो जूका का स्क्वाड है, काफी मेहनत करी पड़ी है, देखते हैं जीतते हैं या फिर हम लोग ये मैच को हारते हैं जूका के स्क्वाड के साथ। अपोनेंट में देखे तो यहाँ पे हम लोग को दो फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर, एक वीड कैरेक्टर और एक लॉर्डमार्क देखने को मिला है, जो कि कंपीट कर सकते हैं हम लोग जूका के स्क्वाड के साथ। यहाँ पे मैं जाकर के शील्ड ले लेता हूँ, पीवी चैंप भाई नीचे की तरफ से अटैक करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे पीवी प्यूस आगे बढ़ रहे, बट उसको मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर से खेल सकते हो, देखो मैसेज में मैं उसको लिख देता हूँ, फॉल बैक दोस्तों।
गाइस जो फर्स्ट किल होता है, फर्स्ट किल हम लोग का स्कोर करता है। देखो 10 से आगे हम लोग बढ़ गए, 2 मिनट का अभी भी गेम बचा है, 2 मिनट का अभी भी राउंड बचा है, कुछ भी हो सकता है ये 2 मिनट के अंदर गाइस। तो गाइस हम लोग यहां पे देखो मेरे पास स्पेशल गन है, मैं मारने की कोशिश करता हूं बट फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर मेरे को ज्यादा डैमेज दे देता है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं बट 2 फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर आकर के मेरे को मार देता है राइट। अब देखो 2 फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर के सामने जाओगे तो भैया वो तो भांस कर ही देगा, और मारा कौन, पीबी का बंदा यानी कि मेरे सब्सक्राइबर ही मार रहे हैं। तो भाई अपने लोग मारते हैं तो ज्यादा दुख होता है, बट दोस्तों यहां पे देख पा रहे हो कि लिटरली 20-30 का स्कोर, फिर 20-40 का स्कोर, और मेरे पास टाइम है 130 का। मेरे स्कोर पता नहीं क्या कर रहे हैं, यहां पे 30-40 का स्कोर चल रहा है, जूका का स्कोर लेकर के हार जाएंगे तो बहुत ही बेकार बातें हो जाएगी। बट अपर का स्कोर बहुत ही बढ़िया रिकवरी करने लगे, 50-50 का स्कोर चल रहा है, देख पा रहे हो जैसे कि तुम डिस्प्ले पे देख पा रहे हो 50-50 का स्कोर है। और फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर हमने के स्कोर में आकर के भिड़ रहा था तो मैं स्कोर इसको मार करके खत्म कर दिया। यहां पे मैं लॉर्ड मस्क को मार देता हूं, वो भी मेरे को मार देता है, दूसरों एक दूसरे को किल करके आगे बढ़ते 70-70 का स्कोर हो जाता है। देखो भाई लोग यहां पे मैं जो जूका का स्कोर लिया हूं ना, यहां पे स्कोर भी स्कोर का आज जितना भी तुम लोग इस गेम प्ले वीडियो में देख पा रहे हो ना, पूरा तुम लोग एक बात देखना, मैंने क्या किया, डॉगी कैरेक्टर का स्कोर बनाया, डॉगी कैरेक्टर से एक मैच मैंने ड्रॉ किया, दूसरा मैंने हार गया, तीसरा मैं जूका का स्कोर बनाया राइट। यानी कि पूरा का पूरा ये जो वीडियो स्कोर के ऊपर ही है। अभी मैं तुम लोग को पापी का स्कोर बना करके दिखाऊंगा और लास्ट में ये बताऊंगा कि कौन सा सबसे बेस्ट कैरेक्टर है जो कि तुम लोग खेल करके अच्छे से खेल करके रैंक पुश वगैरह करोगे, इंक्रीज करोगे, हर मैच भी जीतोगे, हर एक मैच जीतोगे, कौन सा कैरेक्टर भी बताते हैं। बट देखो यहां पे बस 30 सेकंड का टाइम रिमेनिंग है और हम लोगों का स्कोर है 110 110, यानी कि अभी अपोनेंट मैचेस चल रहा है, बराबर मैच चल रहा है, 110 110, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइज। यहाँ पे 25 सेकंड्स, 120 120 का स्कोर, 22 सेकंड 130 और 120 का स्कोर, 10 सेकंड 130 120 का स्कोर। मैं बढ़ रहा हूँ, मेरा पावर काफी डाउन है, मैं जा सकता हूँ बट मेरे पास स्पेशल गन है, मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको मार सकता हूँ गाइज, और एक गोली का है, ओ मार दिया मेरे को, बट मेरा पीछा पीबीएक्स चैंप उसको मार करके बराबर कर दिए है स्कोर 140। मेरा पूरा स्कोर बैक हो, मेरा पूरा स्कोर बैक करके खेलो हार जाएंगे 50 और 140। लिटरली गाइज, लिटरली एक सेकंड से और 10 पॉइंट से गाइज जीत लिए है ये मैच को 160 और 150 के स्कोर पे। हम लोगों ने जूका स्क्वाड को कंप्लीट किया, देख सकते हो पीयूष वाईडी पीबी विशाल पीबीएक्स चैंप और तुम्हारा भाई पी ब्रदर्स, लिटरली हम लोगों ने जूका के स्क्वाड को मस्त खेला और जीत लिया। अब ये लास्ट स्क्वाड मैच है क्या पापी को लेकर के, तो चलो हम लोग अपने सब्सक्राइबर लोगों को मैसेज कर देते हैं कि गाइस लिटरली यहाँ पे हम लोगों को पापी कैरेक्टर लेनी है और बंदों की बात करनी है, क्या पापी कैरेक्टर को लेकर के जीता जा सकता है, चलो देखते हैं। फाइनली अब होगा धमाल, सच में अब होगा धमाल, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे सब्सक्राइबर लोगों को और अपने फ्रेंड को बोलते हो कि पापी ले लो, अरे पीयूष पापी लो, भूतनी वालो पापी ले लो। चलो गाइस अब मैच को स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं, आई एम गोइंग टू द बेस्ट, वाह यही तो चाहिए हमारे टीम के लिए, यही तो मैच छड़वाएगा, अब मैच नहीं हारना है गाइस, मैच जीतना है, अभी तो जूका से जीते, देखते पापी से जीतते कि नहीं जीतते। मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मैं पापी से जीत सकता हूं, बट कॉन्फिडेंट हूं कि हां पापी से टक्कर तो दे ही सकते हैं। लिटरली पूरा का पूरा पापी स्कोर देख पा रहे हो, देख पा रहे हो पूरा पापी स्कोर, और सामने कौन है भाई, सामने कौन है भैया, यहाँ पे है एक फ्यूचर टेक्नो, एक रैंगो और एक रेजर और एक किल शॉट। हाँ स्क्वाड तो बिल्कुल स्क्वाड जो है ना उसका एकदम पूरा मिला हुआ है, मतलब अच्छा स्क्वाड है, और एक रैंगो का पूरा 10 लेवल है यार, 8 लेवल है, 8 है भाई, रैंगो थोड़ा सा खतरनाक है, देखते हैं क्या होता है। मैं आगे जाता हूँ, मैं मार देता हूँ एक रेजर को, लिटरली मेरा यहाँ पे पावर पूरा डाउन है, यहाँ पे हम लोग 30-20 से आगे पीछे चल रहे, आगे ही चल रहे हैं, बट अब यहाँ पे स्कोर सेम हो गया है, अगर मेरे स्कोर अच्छा नहीं खेला पापी लेकर के तो हम लोग ये राउंड हार जाएंगे। देखो मैं यहाँ तक एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं खेल रहा हूँ, देखो मैं किल किया हूँ, 4 किल तो अभी तक मैंने कर दिया है अप्रोक्स। लिटरली पापी का जो गेम प्ले है ना, पापी का गेम प्ले थोड़ा सा स्किल पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जब हम लोग जूका का स्क्वाड लिए थे और उसी के साथ जब हम लोग डॉगी का जब स्क्वाड बनाए थे तो लिटरली उसमें हम लोग का टीममेट था, पूरा टीममेट पे कवर था। हाँ बट टीममेट तो है ही, लेकिन अगर स्किल भी मैटर करता है, लेकिन अपोनेंट अगर सबसे भयानक आ गया, कैरेक्टर उतना जबरदस्त नहीं है, तो भाई आप लोग गेम हार जाओगे। लिटरली देखते हैं पापी को लेकर के, अभी हम लोग तो आगे चल रहे 80 और 70 पे है, लेकिन अगर अच्छा नहीं खेलेंगे आगे जा करके तो हार जाएंगे। यहाँ पे देखो 100 90 का स्कोर हो गया भैया। एंड गाइज अभी भी तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे 1 मिनट और 10 सेकंड का ये मैच रह गया, अपोनेंट का स्कोर है 100 जो कि रेड में, 90 का स्कोर ब्लू जो कि हम लोग है। यहाँ पे हम लोग पापी का स्कोर लेकर के इस रेजर को तो हम लोग मार देंगे, ब्लू 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 खत्म। शायद एक बंदा और पीछे रहता तो हम लोग काफी जल्दी मार देते। देखो अभी स्कोर बराबर पे चल रहा है और 50 सेकंड रह गया। मैं जाकर के यहाँ पे शील्ड को ऑन कर लेता हूँ, शील्ड को ले लेता हूँ। अब तक मैंने 5 किल कर दिए,
और यहाँ पे सभी लोग दो 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 किल करके आगे बढ़ रहे। 110 110 120 110, वाह 120 120, क्या ही पॉइंट चल रहे, झालमुड़ी का चल रहा है क्या मैच, झालमुड़ी डाल दिया भाई, 10 का 10 का 20 10 का 20 10 का 20, 50 का डबल चल रहा है, 130 130 स्कोर चल रही है, 30 सेकेंड हाथ में, मेरे को लग रहा है कि हाँ ड्रो हो सकता है मैच। ओ माई गुडनेस, ये क्या हुआ, हे प्रभु हे जगन्नाथ, ये क्या हुई, यहाँ पे देखो दो बंदे ऑलरेडी टपक गए, अब मेरे को कोई चांस नहीं लग रहा। आपका जब स्क्वाड साथ नहीं रहेगा तो आप लोग मैच हार सकते हो, बट मैं लड़ूंगा, 7 किल ऑलरेडी कर चुका हूँ, फ्यूचर टेक को मार सकता हूँ, एक बंदा मेरे साथ है, बिल्कुल सही पीयूष, चलो खत्म करना है, 10 सेकेंड रह गए, 140 और 150 स्कोर बिल्कुल सेम है, ओ 5 सेकेंड बस एक किल करना है, 5 सेकेंड और एक किल करना, मरना नहीं, पीयूष मर गया भाई, पीयूष मर गया और मेरे को भी मार दिया रैंगो, रे यार ये क्या किया तूने ब्रो, मैच को बराबर कर सकते थे, मैच को ड्रॉ कर सकते थे, दो बंदे तो ऑलरेडी पहले ही मर गए, अरे टक्कर का मैच था, बट कोई बात नहीं गाइस, वी प्राउड ऑफ यू ब्रो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं रही आसी। देखो गाइस अब मैं तुम्हें कंक्लूजन देता हूँ, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊँ कि अभी सबसे बढ़िया कैरेक्टर कौन सा है, तो फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर है नंबर 1, नंबर 2 तुम लोग का रैंगोवर, ये दोनों अभी कोई भी मोड में एकदम जबरदस्त एकदम मस्त चल रहे, अगर तुम लोग को स्कोर जल्दी जल्दी बढ़ाना है, एकदम मस्त तरीके से बढ़ाना है, तो फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर एंड रैंगो कैरेक्टर को लेकर के खेलो। नंबर 2 पॉइंट, अगर तुम लोग डॉगी का स्कोर बना करके खेलोगे तो बिल्कुल हारोगे। नंबर 3, पापी का लेकर के बनाओ के करके खेलोगे तो बिल्कुल, तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर से या फिर रैंगो कैरेक्टर से अभी खेलो, क्योंकि हर एक मोड में अभी पता चलता है कि हाँ कौन सा कैरेक्टर सबसे जबरदस्त चल रहा है, बट हाँ जिस पे प्रैक्टिस है, जिस पे स्किल बेटर है, अपने स्कोर को बेटर बनाओ, कंपटीशन बेटर करो, एंड आज हम स्कोर भी स्कोर खेलते हैं हम लोग भी बैटल सर्च गेम में। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मैंने तुम लोग को बता दिया कि कौन सा कंपटीशन बेटर है, क्या क्या बेटर है, कौन सा कैरेक्टर बेटर है, और तुम लोग को मैंने पापी का स्कोर, डॉगी का स्कोर का गेम प्ले भी दिखा दिया। मिलते हैं कौन है धमाकेदार वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, चलो दोस्तों।